सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग मार्केटर चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए काफी सारे लोग अमेजॉन पे सेल करना चाहते हैं और ह्यूज प्रॉफिट बनाना चाहते हैं लाइक अदर सेलर एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ अमेजॉन फी और कमीशन काफी वाइटल रोल प्ले करते हैं तो मैं आज को आपको बताऊंगा मोर देन टेन टाइप्स ऑफ अमेजॉन फी और आपको यह भी बताऊंगा कि उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं

कैन बी मंथली चार्जेस पेनल्टी चार्जेस और एनी अदर पेमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ रीजन मतलब ये एक सेलर को काफी सारे टाइप्स की अमेजन फी पे करनी पड़ती है ये फी मंथली बेसिस पर हो सकती है किसी रॉन्ग डूइंग की वजह से पेनल्टी चार्जेस हो सकते हैं और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिनको हम आगे वीडियो में वन बाई वन डिस्कस करेंगे अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फी अमेजन प्राइमरली थ्री टाइप्स की फीस चार्ज करता है पहली टाइप की फी होती है रेफरल फी स्टार्टिंग फ्रॉम टू परसेंट एंड वेरीज बाय द कैटेगरी यह फी दो परसेंट से शुरू होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी सेकेंड होती है फिक्स क्लोजिंग फी वेरीज बाय प्रोडक्ट प्राइस रेंज जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होता है यह उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है और थर्ड होती है शिपिंग फी इट इज स्टार्ट एट रुपीज थर्टी एट पर आइटम शिफ्ट बायी शिप वेरीज बाय आइटम वॉल्यूम एंड डिस्टेंस मतलब अगर आप अमेजोन का इजीशिप ऑप्शन यूज करते हैं तो ये फी थर्टी एट पर आइटम से शुरू हो जाती है पर प्रोडक्ट से शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट के वॉल्यूम पर और कितनी दूर उस प्रोडक्ट को डिलीवर करना है उस डिस्टेंस पर शिपिंग फ़ी डिपेंड करती है आप इजी शिप ऑप्शन के अलावा सेल्फ शिप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं तो जो ये शिपिंग फ़ी है वो आपकी अपनी होगी ना कि ईजी शिप ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगी तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेफरल फ़ी Amazon takes a referral fee for the role it plays in facilitating द सेल्स रिलेशनशिप बिट्वीन बायर एंड सेलर बाय डिडक्टिंग अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पेमेंट टू द सेलर तो बेसिकली अमेजॉन एक प्रोडक्ट को सेल कराने के लिए जो फैसिलिटी एक सेलर को देता है उसके एक्सचेंज में एक स्मॉल फी चार्ज करता है जो कि कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है फॉर एग्जाम्पल मीडिया कैटेगरी तो हम देख सकते हैं मीडिया कैटेगरी में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते हैं जैसे बुक्स मूवीज़ म्यूज़िक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स वीडियो गेम्स वीडियो गेम्स एक्सेसरीज वीडियो गेम्स कंसोल और जितनी भी ये कैटेगरीज़ हैं इनकी जो रेफरल फ़ी है वो डिफरेंट है जैसे मूवीज़ की 6.5% है म्यूज़िक की भी 6.5% है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की 11.5% है एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया कि रेफरल फ़ी कैटेगरी पे डिपेंडेंट होता है एंड इट चेंजेस फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर अमेजॉन किस कैटेगरी पे कितनी रेफरल फ़ी चार्ज करता है इसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं सेकेंड टाइप की फ़ी जो अमेज़न चार्ज करता है वो है फिक्स क्लोजिंग फ़ी इट इज अ कमीशन दैट यू पे टू अमेज़ॉन ऑन एवरी प्रोडक्ट दैट यू सेल ऑन इट साइट इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट प्राइस दैट इज पेड बाय द बायर इंक्लूडिंग एनी शिपिंग और गिफ्ट रैप चार्जेस चार्ज बाय द सेलर मतलब ये कि एक फिक्स फी होती है जो कंप्लीटली आपके प्रोडक्ट प्राइस पर डिपेंड करती है और जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो अमेजॉन ये फ़ी आपसे चार्ज करता है तो अमेजॉन जो भी फिक्स क्लोजिंग फ़ी चार्ज करता है ये आपके प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंडेंट होता है तो हम इस टेबल से देख सकते हैं कि अमेज़ॉन ने डिफरेंट कैटेगरीज बनाई हुई हैं प्रोडक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग जैसे जीरो टू टू फिफ्टी रुपीज़ अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस है तो आपको शिप एक्सक्लूडिंग ईजी शिप प्राइम में पाँच रुपये लगेंगे शिप प्राइम में आठ रुपये लगेंगे सेल्फ शिप में छः रुपये लगेंगे एफ बी एक्सक्लूडिंग सिलरफ्लेक्स में ट्वेंटी फाइव रुपीज लगेंगे एफ बी एक्सक्लूडिंग सिलरफ्लेक्स को सिलेक्टेड कैटेगरीज के लिए आपको ट्वेंटी फाइव रुपीज पे करना होगा तो इस टेबल में हम बाकी प्रोडक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग चार्जेस देख सकते हैं थर्ड टाइप की फी है शिपिंग फी दिस इज द फी डेट अमेजोन चार्ज यू टू डिलीवर योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर इन केस यू यूज अमेजोन ईजी शिप्ट डिलीवरी ऑप्शन इट इज स्टार्ट फ्रॉम आना थर्टी एट पर प्रोडक्ट शिप्ट इट वेरीज बाई प्रोडक्ट वॉल्यूम एंड डिस्टेंस तो ये वो फी होती है जो अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है जब वो आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक डिलीवर करता है एंड स्पेशली जब आप अमेज़ोन की शिप सर्विस का यूज़ करते हैं और ये सर्विस थर्टी एट रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है एंड डिपेंड करती है कि आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है एंड उसको कितनी दूर तक डिलीवर करना है स्टार्टिंग जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन अमेज़ॉन ने स्टेप प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें सेलर्स को चार कैटेगरीज और लेवल्स में डिवाइड किया गया है बेसिक स्टैंडर्ड एडवांस एंड प्रीमियम एंड इन लेवल्स के बेसिस पे अमेजॉन ने शिपिंग में कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं 31 मार्च तक सभी सेलर्स के लिए स्टैंडर्ड लेवल के रेट्स अप्लाई होंगे एंड बेस्ड ऑन देअर सेलर परफॉर्मेंस एवरी थ्री मंथ्स आपका लेवल रिवाइज होगा तो इस टेबल में हम देख सकते हैं अमेजोन ने प्रोडक्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है स्टैंडर्ड हैवी एंड बल्की एंड फर्दर इन कैटेगरीज को सब डिवाइड किया है बेस्ड ऑन देयर वेट तो अगर आपके प्रोडक्ट का वेट अप टू फाइव ग्राम है और आप उसको लोकली शिप करना चाहते हैं तो आपको थर्टी एट पे करने होंगे अगर वही प्रोडक्ट आपको रीजनली शिप करना है तो आपको फोर्टी एट पे करना होगा एंड नेशनली शिप करने के लिए आपको सिक्सटी नाइन रुपीज़ पे करना होगा इसी तरीके से आप बाकी प्रोडक्ट्स के डिपेंडिंग अपॉन द वेट जो प्राइसेस हैं इस टेबल से रेफर कर सकते हैं सो so, ये वो तीन टाइप्स की फ़ी हैं जो एक अमेजॉन सेलर को पे करनी पड़ती है तो अब बात करते हैं वो कौन सी फ़ी हैं जो आपको एज एन एफ सेलर पे करनी होती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एफ प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद सेलर को अपनी इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस पर भेजनी होती है और अमेज़ॉन उस इन्वेंट्री को स्टोर कर लेता है और जब भी कस्टमर प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तो अमेज़न एम्प्लॉयज़ प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप कर देते हैं उस कस्टमर को तो इस पूरी सर्विस के लिए अमेज़न जो फ़ी चार्ज करता है उसे अमेजॉन एफ फी कहते हैं तो बेसिकली हमारी जो स्टैंडर्ड तीन फ़ी होती हैं रेफरल फ़ी क्लोजिंग फ़ी एंड शिपिंग फ़ी उसके अलावा जब हम अमेजॉन की पिक पैक एंड शिप सर्विस का यूज़ करते हैं तो उसमें अमेज़ॉन एफ बी एफ फी एड हो जाती है और ये एफ बी एफ फी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट फीस से मिलकर बनती है सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस डिफरेंट फीस वन बाय वन तो सबसे पहली फ़ी है इन्वेंट्री स्टोरेज फी स्टोरेज फी आर चार्ज फॉर ऑल द यूनिट्स स्टोर्ड इन एन अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर बेस्ड ऑन कैलेंडर मंथ एंड योर डेली एवरेज वॉल्यूम वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर और क्यूबिक फुट तो मतलब ये कि एफ बी सेलर जो अपनी इन्वेंट्री अमेजन के वेयर हाउस में रखते हैं उस पर उनको मंथली स्टोरेज फी देनी होती है यह फ़ी क्यूबिक मीटर्स में कैलकुलेट होती है और कितनी इन्वेंट्री अमेजॉन वेयर हाउस में बची हुई है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है ऑल्सो इन्वेंट्री स्टोरेज फी चार्ज ईच मंथ टिपिकली बिटवीन सेवंथ एंड फिफ्टीन डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ टू विच द फी अप्लाइज एंड द फी इज़ आई एन आर सेवन हंड्रेड सिक्स पर क्यूबिक मीटर पर मंथ एंड आई हैड ट्वेंटी पर क्यूबिक फुट पर मंथ मतलब ये कि आपको करंट मंथ में जो स्टोरेज फ़ी चार्ज हुई है वो प्रीवियस मंथ के अवेलेबल प्रोडक्ट पर थी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनवरी मंथ की स्टोरेज फ़ी चेक करनी है तो आपको फरवरी मंथ की पेमेंट रिपोर्ट्स चेक करने होंगे वो भी सेवन से फिफ्टींथ फेब के बीच जो इसकी कॉस्ट होती है पर क्यूबिक मीटर पर मंथ वो होती है सात सौ छः रुपये और पर क्यूबिक फुट पर मंथ के अकॉर्डिंग जो फी होती है वो होती है बीस रुपए नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू कैलकुलेट इन्वेंट्री स्टोरेज फी सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स द डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट इज फोर्टी सेवन सेंटीमीटर इंटू ट्वेल्व सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोडक्ट वी मल्टीप्लाई ऑल थ्री डायमेंशंस एंड वी विल गेट द फिगर ऑफ फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी विल बी डिवाइड द वॉल्यूम बाय अ स्पेसिफिक नंबर विच इज ट्वेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट एट फोर यू विल गेट वॉल्यूम इन क्यूबिक फिट विच इज़ जीरो पॉइंट वन नाइन नाइन एंड एज वी नो दैट इन्वेंट्री स्टोरेज फी पर मंथ पर क्यूबिक फुट इज़ रुपीज ट्वेंटी वी मल्टीप्लाई द वॉल्यूम बाय आई एन आर ट्वेंटी सो जो मंथली फी दैट वुट बी चार्ज बाई अमेजोन इज आई एन आर रुपीज थ्री पॉइंट नाइन एट सो ये वो तरीका है जिससे आप अपनी अमेजोन फी कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइप की जो फी है उसका नाम है लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी या एल टी एस एफ अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी अप्लाइज टू द प्रोडक्ट दैट आर बींग स्टोर्ड इन अमेजॉन फुलफिलमेंट सेंटर फॉर ओवर सिक्स मंथस ऑफ पीरियड मतलब ये अगर आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं होती है और वह अमेजॉन वेयरहाउस में छः महीने से ज़्यादा पड़ी रहती है तो आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी पे करनी होगी लेकिन अगर आप छः मंथ्स होने से पहले इन्वेंट्री रिमूवल रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो अमेजॉन लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी चार्ज नहीं करेगा सो लेट्स डिस्कस वाई अमेजॉन चार्जेज एल टी एस एफ इन्वेंट्री दैट इज ओवर स्टॉक्ड और स्टोर्ड इनडेफिनेटली इन फुलफिलमेंट सेंटर्स लिमिट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड स्पेस फॉर फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर मतलब ये अगर किसी सेलर का कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है जो कि अमेजोन वेयरहाउस में पड़ा हुआ है तो उस अनसोल्ड प्रोडक्ट की वजह से फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स रखने के लिए स्पेस कम बचता है और इसकी वजह से दूसरे सेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए अमेजॉन आप से लॉन्ग टर्म स्टोरेज फी चार्ज करता है नेक्स्ट टाइप की जो फ़ी है वो है पिक एंड पैक फी इट इज़ अ चार्ज दैट अमेज़ॉन टेक्स फॉर हैविंग वन ऑफ देयर एम्प्लॉइज चूज़ एंड आइटम पैकेजेड एंड प्रिपेरिड फॉर डिलीवरी। इट इंक्लूड्स लेबर कॉस्ट पैकिंग मटीरियल डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स कैटेगरी वेट एंड साइज तो मतलब ये जब आपका प्रोडक्ट अमेजोन वेयर हाउस पर स्टोर हो जाता है और कस्टमर से ऑर्डर आने पर उस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री शेल्फ से पिक करके उसे अमेजन के पैकिंग मटीरियल में पैक करने में जो भी कॉस्ट और एफर्ट आती है उसे अमेजॉन पिक एंड पैक भी कहता है फी आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी वेट और साइज पे डिपेंड करती है नेक्स्ट टाइप की फी है वेट हैंडलिंग और शिपिंग फी द कॉस्ट ऑफ शिपिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अमेजोन वेयर हाउस टू कस्टमर डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन वेट एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वेट हैंडलिंग फी और शिपिंग फी मतलब ये कि अंडर एफ प्रोग्राम अगर आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर को फुलफिल करने में अमेजोन वेयर हाउस से कस्टमर की लोकेशन तक जो भी शिपिंग कॉस्ट आती है बेस्ड ऑन द वेट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिस्टेंस उसे वेट हैंडलिंग फी और शिपिंग फ़ी कहते हैं अगर प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा है तो शिपिंग फ़ी कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूमेट्रिक वेट का यूज़ होता है नेक्स्ट टाइप की फ़ी है रिटर्न प्रोसेसिंग फी रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ी विल बी चार्ज इफ एन आइटम इज़ रिटर्न बाय द बायर यह फी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर कोई ऑर्डर कस्टमर रिटर्न कर देता है तो उस रिटर्न को मैनेज करने में जो प्रोसेसिंग लगती है उस प्रोसेस को रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ी कहते हैं नेक्स्ट फी है नॉन कंप्लायंस चार्ज अ नॉन कंप्लायंस चार्ज विल बी इनकर्ड फॉर आइटम शिप टू एन अमेज़ॉन फुलफिलमेंट सेंटर विदाउट द प्रॉपर पैकेजिंग लेबल्स और अदर प्री डिटर्मिन कंडीशंस अगर कोई भी एफ सेलर अमेजॉन वेयर हाउस पर अपनी इन्वेंट्री भेजता है और वो एफ गाइडलाइंस को फुलफ़िल नहीं करता है तो अमेजन गाइडलाइंस फॉलो ना करने की वजह से सेलर को नॉन कंप्लायंस चार्ज देना होता है नेक्स्ट टाइप की फ़ी है प्रेप सर्विस फ़ी द पर्सन एल एलोकेटेड बाई अमेजोन टू पैकेज द स्पेशल आइटम एट वन ऑफ देयर फुलफिल्मेंट सेंटर इन केस सेलर डाज नॉट इक्विप्ड टू प्रिपेयर दीज स्पेशल आइटम बाई दम सेल्वस मतलब ये कुछ प्रोडक्ट काफ़ी अलग होते हैं जिनको ज़्यादा केयरफुली पैक करना होता है जिससे डिलीवरी के टाइम वो डैमेज ना हों और कस्टमर तक परफेक्ट कंडीशन में पहुँचें तो अगर किसी एफ बी एस सेलर को लगता है कि वो ये खुद से मैनेज नहीं कर पाएगा तो अमेज़ॉन उसको हेल्प करने के लिए एक एम्प्लॉई एलोकेट करता है और इसके लिए जो फी चार्ज करता है उसे प्रेप सर्विस फ़ी कहते हैं नेक्स्ट टाइप की फ़ी है एफ बी रिमूवल फ़ी इन केस सेलर वांट्स टू रिमूव द इन्वेंट्री फ्रॉम अमेजॉन वेयर हाउस एंड देन अमेजॉन चार्जेस अ रिमूवल फ़ी मतलब ये अगर आप इन्वेंट्री अमेज़न वेयरहाउस से रिमूव करना चाहते हैं चाहे किसी भी रीज़न से जैसे आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है या ऑफलाइन मार्केट से आपके पास ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उन्हें फुलफ़िल करने के लिए आप अपनी इन्वेंट्री वापस मंगाना चाहते हैं तो इस रिमूवल के लिए जो चार्ज होता है उसे एफ़ रिमूवल फ़ी कहते हैं अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट एफ फ़ी तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक कैमरा लेंस लेते हैं जिसके डायमेंशन हैं 11.7 पॉइंट सेवन इंटू सेवन पॉइंट सेवन इंटू सेवन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर और जिसका कुछ वेट होगा पॉइंट टू फाइव के जी और जो उसका लिस्टिंग प्राइस है वो है एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो जैसा कि हमने शुरू में देखा कि अमेज़ोन जो हमारी स्टैंडर्ड थ्री टाइप्स की फ़ी लगाता है रेफरल फ़ी क्लोजिंग फ़ी एंड देन शिपिंग फ़ी लेकिन यहाँ पे हम अमेज़ॉन की एफ फी के बारे में बात कर रहे हैं तो शिपिंग फ़ी एफ प्रोग्राम के अंडर ही इंक्लूड होगी तो इन्हीं तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्टेप वन में हम सबसे पहले रेफरल फ़ी कैलकुलेट करते हैं तो जो कैमरा लेंस है वो जिस कैटेगरी में आता है रेफरल फ़ी के अकॉर्डिंग उस पर सेवन परसेंट अमेज़न रेफरल फ़ी चार्ज करता है तो हम उसके लिस्टिंग प्राइस पे विच इज़ एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवन परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री रुपीज़ सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग फ़ी जैसा कि हम जानते हैं कि सेलर एफ के अंडर है तो अगर प्राइस थाउजेंड के ऊपर होता है तो छब्बीस रुपये लगते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग फ़ी ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ है प्रोडक्ट का टाइप स्मॉल है तो इसके अकॉर्डिंग जब हम फुलफिलमेंट फी कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी कम अराउंड रुपीज़ थर्टी एट तो जब हम इस पूरी फ़ी का टोटल करते हैं तो दैट इज़ थर्टीन हंड्रेड एट्टी सेवन रुपीज़ और उस पर अगर हम 18% परसेंट का टैक्स लगा लेते हैं विच इज़ नॉर्मली अ जीएसटी तो जो टोटल फिगर आता है वो होता है सिक्सटीन हंड्रेड थर्टी सिक्स रुपीज़ सिक्सटी सिक्स पैसा तो बेसिकली अमेजोन पर अगर आप कोई कैमरा लेंस बेच रहे हैं जिसकी कॉस्ट एटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज़ है अंडर एफ बी ए प्रोग्राम अमेजोन विल टेक अराउंड एट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ टोटल फ़ी नाउ रिकैप दैप वट यू हैव लर्न इन दिस मॉड्यूल तो सबसे पहले हमने बात की वट इज़ Amazon फ़ी उसके बाद हमने बात की अमेजॉन फ़ी कितने टाइप की होती है जिसमें हमने रेफरल फ़ी क्लोजिंग फ़ी और शिपिंग फ़ी की बात करी उसके बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ एफ बी फी तो एफ के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ़ी हैं वो हमने सारी डिस्कस की वन बाय वन एंड फाइनली हमने देखा कि कैसे एफ़ बी फी की कैलकुलेशन होती है सो डिस्कवर अमेजॉन के इस वीडियो में इतना ही अमेजॉन फ़ी से रिलेटेड कोइज एक्टिवेट हो चुकी है सो जस्ट गो एंड टेस्ट योर नॉलेज लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप अपना अमेजन अकाउंट या कोई भी ई कॉमर्स अकाउंट अमेजिंग मार्केटर टीम से मैनेज करवाना चाहते हैं या अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कराना चाहते हैं तो आप अमेजिंग मार्केटर वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अमेजन प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप मुझे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक ट्विटर लिंक इन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट लेसन ऑफ डिस्कवर अमेजॉन टिल देन कीप सेलिंग कीप स्माइलिंग